हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज की ये जो क्लास रहेगी, आज इस क्लास में हम लोग जनवरी महीने में जितने भी आरबीआई के सर्कुलर आए हुए थे उससे कुछ एमसीक्यूज हमने फ्रेम किया हुआ है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो भी आरबीआई के सर्कुलर वगैरह होते हैं इसको हम लोग अपनी बैंकिंग मास्टर 3 बैच में लगातार पढ़ रहे हैं। तो चाहे फिर आप पेड यूजर्स हैं, हमारी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आरबीआई के सर्कुलर को, या फिर कहीं और से आप लोगों ने आरबीआई का सर्कुलर पढ़ा हुआ है किसी और टीचर्स से, या फिर आप डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट से जाके आरबीआई के सर्कुलर वगैरह खुद से पढ़ रहे हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको ये पूरी की पूरी क्लास देखनी है और 15-16 क्वेश्चन आई थिंक मैंने जनवरी महीने से इसमें फ्रेम किया हुआ है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 या 16 क्वेश्चन ही फ्रेम किए जा सकते थे जो जनवरी महीने में आरबीआई का सर्कुलर आया हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने जो पिछले काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह देखा है उससे जो चीज़ें मुझे समझ में आई उस हिसाब से मैंने फ्रेम किया है। आईबीपीएस के ऊपर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हैं, किसी और तरीके से भी वो क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ यहाँ पे मायने रखती है, वो चीज़ ये है कि आप लोगों को आरबीआई का सर्कुलर ढंग से पढ़ना है। इन 15-16 क्वेश्चन के अलावा भी किसी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इस पूरी क्लास को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, 15 या 16 आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस होंगे, और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को खुद से देने का प्रयास करना है। और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर कर बताना है कि आप लोगों ने कितने नंबर लिया है 15 या 16 में से, ठीक है। चाहे आप पेड यूजर्स हों या फिर आप कहीं और से किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, या मैंने बोला कि आप डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं वहाँ से जाके आप लोग आरबीआई के सर्कुलर वगैरह पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता होने चाहिए अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो। और अगर आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ख़ासतौर से स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, या फिर किसी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र वगैरह वाले जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आरबीआई का सर्कुलर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो पढ़ना स्टार्ट करिए, कहीं से भी पढ़िए। वो आपके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कोई पेड कोर्स लेना चाह रहे हैं या फिर आरबीआई की वेबसाइट से डायरेक्ट जाके पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अल्टीमेटली कंक्लूज़न यही है कि आपको आरबीआई का सर्कुलर पढ़ना होगा। और 15-16 क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया इसको आप इस पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए और अपना स्कोर कमेंट कर कर बताइए। चीज़ें अगर अच्छी जा रही हैं, आप 50-60% इसमें नंबर ले आ पा रहे हो, तब तो ठीक है कि आपकी तैयारी वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं और अगर आप पेड यूजर्स हैं उसके बाद में भी इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। आपको अपनी पढ़ाई, आपको अपना अप्रोच बदलने का ज़रूरत है, बदलने का टाइम आ गया है कि अपनी अप्रोच बदलिए, चीज़ों को याद करिए। होता क्या है कि कंटेंट किसी भी टीचर से पढ़िए, वो लगभग सारा चीज़ें कराने की कोशिश करता है अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ा रहा है तो, किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके। लेकिन होता क्या है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। और इस पर्टिकुलर क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, जो भी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, सब कुछ मैंने अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया गया है। तो जो पेड यूजर्स हैं एटलीस्ट उनके क्वेश्चन ये सही होने चाहिए, उनके गलत नहीं होने चाहिए। अगर उनके भी गलत हो रहे हैं तो आप खुद को एनालिसिस करिए कि पढ़ाई गई चीज़ें आपको कितना याद रहती हैं। इसी तरीके से मेरा प्रयास रहेगा कि फरवरी मार्च अप्रैल हर महीने का आरबीआई का सर्कुलर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। तो क्लास को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है और उसके बाद में अपना स्कोर कमेंट कर कर बताना है। एक नंबर ले आ रहे हो, 2 नंबर ले आ रहे हो, या 15-16 जो भी है सारे ले आ रहे हो, आपको अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है। इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्टअप होगा और चीज़ें अगर नहीं आएंगी, क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे तो कहीं ना कहीं से एक अंदर से ना मतलब मोराल थोड़ा सा वो होगा कि नहीं ठीक है यार पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आरबीएस सर्कुलर पढ़ना आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी पढ़िए आपकी मर्ज़ी है। और बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर कर जरूर बताइए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। As per RBI's revised guidelines for inoperative accounts and unclaimed deposit, banks have been advised to undertake at least how many review in a year in respect of accounts where there are no customer induced transactions for more than a year, ठीक है। निष्क्रिय खातों और लावारिस जमाओं के लिए RBI के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को उन खातों के संबंध में एक वर्ष में कम कितनी बार समीक्षा करने की सलाह दी गई है जहां एक वर्ष से अधिक समय में कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुआ है
ये इस सर्कुलर का हिंदी में मतलब है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि कम से कम एक वर्ष में कितनी बार समीक्षा करने की सलाह दी गई है आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकों को उन खातों के संबंध में जहां पर एक वर्ष से अधिक समय में कोई ग्राहक प्रेरित लेन देन नहीं हुआ है, यानी कि कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन जहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताओ आप लोग, एक बार आप लोग बताओ उसके बाद मैं चीजें बता रहा हूं। ठीक है, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कम से कम एक बार। ठीक है ना, कम से कम एक बार समीक्षा करने की सलाह दी गई है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार भी कर सकते हैं। इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट वाला पूरा सर्कुलर आपको यहां पे याद आ जाना चाहिए, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। ठीक है ना, इन ऑपरेटिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट का सर्कुलर जब जनवरी में पढ़ाया था तो वहां पे और क्या क्या चीजें बताई गई थी, वो सारी चीजें आप लोग याद कर लेना इसी समय, और नहीं याद आ रहा होगा तो फिर से जाके जनवरी वाला सर्कुलर एक बार फिर से पढ़ लेना। कई तरीके से इस सर्कुलर से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते थे, तो पूरा का पूरा सर्कुलर पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, पूरा का पूरा सर्कुलर पढ़ना जरूरी है, मैंने सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया है। क्वेश्चन इस तरीके से कर देते कि ये सर्कुलर का नाम दे देते, एक पॉइंट यहां पे, दो पॉइंट यहां पे, तीन पॉइंट यहां पे, चार पॉइंट यहां पे, पांच पॉइंट यहां पे, ऐसे पांच पॉइंट दे देते, ऑप्शन ए बी सी करके दे देते, और आपसे पूछते कि कौन सा पॉइंट सही है, 1 2 सही है या 3 4 सही है या सारे सही है, इस तरीके से भी। और इस तरीके के क्वेश्चन को आप तभी टैकल कर पाओगे जब सर्कुलर के सारे पॉइंट आपको पूरा का पूरा याद रहेगा। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1, एक बार कम से कम रिव्यू करना आवश्यक होता है, कम से कम एक एनुअल रिव्यू के लिए बोला गया है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है ना, और ये सर्कुलर जो है ये 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गया है, 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो गया है। क्या होता है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, इसके लिए टाइम पीरियड 10 ईयर्स का होता है या फिर 5 साल का होता है, याद करो आप लोग, सब कुछ पढ़ाया गया हुआ है अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है ना, इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 10 साल का होता है, 10 साल तक कुछ नहीं होगा, अनक्लेम्ड रहेगा तब वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में जाएगा, या 5 साल रहेगा, ये आप याद करो, याद करो इसी समय पे। ठीक है ना, इन ऑपरेटिव अकाउंट किसको बोलते हैं ये भी बताया गया है, ये भी इसी समय आप लोग याद करो। क्या होता है कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन, जो यहाँ पे कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन का जिक्र किया गया है क्या होता है, ये भी रिकॉल करो यहाँ पर। इसी के साथ साथ में कस्टमर इंड्यूस्ड के साथ में बैंक इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन क्या होता है ये भी पढ़ाया गया है, ये भी रिकॉल करो आप लोग। ठीक है, इन ऑपरेटिव अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के कारण पेनाल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, इन ऑपरेटिव अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी कि नहीं लगाई जाएगी, सर्कुलर में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, सब कुछ रिकॉल करो, मैं बता रहा हूँ कोई पेनल्टी उस पर नहीं लगेगी। ठीक है ना, कोई भी पेनल्टी उस पर नहीं लगेगी, किसी भी इन ऑपरेटिव अकाउंट पे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के कारण, कोई भी ना मेंटेन करने के कारण पेनल्टी नहीं लगेगी, ऐसा सर्कुलर में कहा गया है। ठीक है, तो ये सर्कुलर के पढ़ाने के टाइम पे सब कुछ बताया गया था, सब कुछ आप लोग रिकॉल करो, और अगर अभी भी चीज़ें नहीं याद आ रही तो एक बार जाकर जनवरी का सर्कुलर फिर से पढ़ लो, चीज़ें आपको सब कुछ याद आ जाएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RBI has decided to enhance the bulk deposit limit for urban cooperative banks in tier 3 and tier 4 to from, ठीक है ना, यानी कि RBI ने tier 3 और tier 4 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को कितने से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है, ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, और ये भी सर्कुलर का ही पार्ट है, पढ़ाया गया है, इसका आंसर बताओ आप लोग, पहले एक बार बताओगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले एक बार आप लोग बताओगे फिर मैं बताऊंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 करोड़ एंड अबव से बढ़ाकर 15 करोड़ एंड अबव कर दिया गया है। आरबीआई ने टीयर 3 और टीयर 4 में यूसीबीस के लिए बल्क डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख, ठीक है ना, बल्क डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख और इससे अधिक से बढ़ाकर 1 करोड़ या इससे अधिक करने का फैसला किया है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 करोड़ एंड अबव और यहाँ पर हो जाएगा 15 लाख एंड अबव। ठीक ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, सही था या गलत आप लोग कमेंट कर बताओ। क्या किया है आरबीआई ने, आरबीआई ने टीयर 3 और टीयर 4 के जो यूसीबीज हैं उनके लिए जो बल्क डिपॉजिट लिमिट है उसको 15 लाख एंड अबव से बढ़ाकर 1 करोड़ एंड अबव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। एज पर दी आरबीआई सर्कुलर टीयर 1 यूसीबी हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन
एन ऑनगोइंग बेसिस, यानी कि आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार टीयर वन ईसीबीज को निरंतर आधार पर जोखिम भारित संपत्तियों के कितने जोखिम भारित संपत्ति अनुपात के लिए न्यूनतम पूंजी बनाए रखनी होगी। ठीक ना, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया है। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9%, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9%, यहाँ पर क्या आएगा 9%। ठीक ना, एज पर आरबीआई सर्कुलर टीयर वन यूसीबीज हैव टू मेंटेन ए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ऑफ 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। रिस्क वेटेड एसेट्स का मिनिमम 9% कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना होगा टीयर वन यूसीबीज को। टीयर टू, टीयर थ्री और टीयर फोर को कितना करना होगा ये आपको बताना है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन तो वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट कर कर बताओगे। ठीक है, पहले पढ़ाया गया सब कुछ, मैंने बोला कि जो कुछ भी पूछ रहा हूँ आपसे, जो कुछ भी यहाँ पे बताया जा रहा है सब कुछ पढ़ाया गया है, तो ये आंसर दीजिए। पढ़ाने का तरीका मेरा यही रहेगा, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ें हमेशा आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि तभी आप लोग एक्टिव मोड में आओगे, नहीं तो ऐसे आके फिर मुरारी बापू की कथा की तरीके से सुन के चले जाते हो, फिर चीज़ें आप लोगों को याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा आपके लिए हवाले रहेंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हमेशा बताना रहेगा, तभी जाके आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर दी आरबीआई सर्कुलर टीयर वन यूसीबीज ऑपरेटिंग इन ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट शुड हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ हाउ मच रुपीज। आरबीआई के परिपत्र के अनुसार एक ही जिले में कार्यरत टीयर वन यूसीबी की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति कितनी होनी चाहिए। आरबीआई का जो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से टीयर वन में ऑपरेटिंग यूसीबीज के लिए, जो कि एक ही जिले में काम कर रही है, ऑपरेटिंग है, कितना मिनिमम नेटवर्थ उसके लिए होना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग अभी तक बता दिए होंगे इसी में उम्मीद कर रहा हूँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 करोड़। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2 करोड़ रुपए। ठीक है ना, टीयर वन यूसीबीज ऑपरेटिंग इन ए सिंगल डिस्ट्रिक्ट शुड हैव मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 2 करोड़ रुपीज। एक ही जिले में कार्यरत टीयर वन यूसीबीज को कम से कम मिनिमम 2 करोड़ रुपए का नेटवर्थ मेंटेन करना होगा। ठीक है ना, टीयर वन को, टीयर वन टू थ्री की अन्य दूसरी यूसीबीज के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितना होगा ये आप लोग बताओ, ये भी पढ़ाया गया है। मैंने बोला ना कि देखो सर्कुलर से कितने क्वेश्चन बनने में चाहता, तो सबके इनके अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम कर सकता था, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया दिया जा रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, जिससे कि आप लोग सर्कुलर को जाके और डीप में पढ़ाई करो। ठीक है ना, टीयर वन यूसीबी का बताया गया, ठीक है ना, टीयर वन यूसीबीज का बताया गया और सिंगल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेटिंग बताया गया, लेकिन टीयर वन टू थ्री की अन्य दूसरी यूसीबीज के लिए, ठीक है ना, और दूसरी यूसीबीज के लिए मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपीज़, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 करोड़ रुपीज़, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर्कुलर में पढ़ाया गया था, नहीं याद आ रहा तो सर्कुलर फिर से जाके देखो। बार बार मैं फोर्सफुली चीज़ें बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज पढ़ने उड़ने का कोई फायदा है नहीं, ऐसे अननेसेसरी टाइम पास करने का, वीडियो देख के चले जाने का, तो दिमाग में सब कुछ क्लिक करना चाहिए, सर्कुलर जितना पढ़ाया गया सब कुछ क्लिक करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट 4th of January 2024 टू दी मास्टर डायरेक्शन ऑन KYC बाई RBI, द डेफिनेशन ऑफ पोलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्लूड इन विच सेक्शन ऑफ द मास्टर डायरेक्शन। ठीक है ना, RBI के द्वारा KYC पर मास्टर डायरेक्शन में हालिया संशोधन जो कि 4 जनवरी 2024 को हुआ, उसके अनुसार राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की परिभाषा को मास्टर डायरेक्शन के किस खंड में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 41, ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सेक्शन 41, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 2016 वाला जो KYC डायरेक्शन आया हुआ था, 2016 वाले KYC डायरेक्शन में ये सेक्शन 3 के क्लॉज ए के सब क्लॉज 17 में था, लेकिन अब इस सेक्शन को हटाकर सेक्शन 41 में इसे डिफाइन किया गया है। यहाँ पर ये भी रिकॉल कर लो आप लोग कि कौन कौन से पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन में आएंगे, कौन कौन से लोग पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आएंगे। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये भी डीप में पढ़ाया गया है, तो आप लोग रिकॉल करो। आगे बढ़ते हैं। एज पर दी RBI नोटिफिकेशन इन January 2024 व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ UCB इन द सेकेंड शेड्यूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। January 2024 में RBI की अधिसूचना के अनुसार UCBs को दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात
क्या है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सीधा सीधा सा मतलब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लिया करो, समझ के तब आंसर दिया करो, जिससे कि थोड़ा सा मतलब कहीं कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है ना। क्या इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ। जनवरी 2024 में एक RBI का नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है ना, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी UCBs के लिए सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूजन के लिए, मतलब कि उसको सेकेंड शेड्यूल में लाया जा सके उसके लिए UCBs को कितना मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो मेंटेन करना होगा, कितना रिक्वायर्ड होता है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, सही उत्तर होगा इसका सी, सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, यानी कि एटलीस्ट 3% मोर देन द मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल टू UCBs। UCBs के लिए जो CRAR रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है उससे कम 30% जो है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। UCBs के लिए जो मिनिमम CRAR रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है उससे कम 3% ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा RBI के दिशा निर्देश में, RBI के नोटिफिकेशन में, RBI के सर्कुलर में कहा गया है। RBI ने UCBs को सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की है वहीं से ये क्वेश्चन है, और ये जो सेकेंड शेड्यूल में आएंगे ये उन प्राइमरी UCBs के लिए है जो Tier 3 और Tier 4 वाले UCBs हैं, और RBI द्वारा जारी FSWM फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड, ठीक ना, RBI के द्वारा जारी FSWM यानी कि फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, PDF में भी दिया गया था, तो इसको एक बार आप लोग रिकॉल कर लेना, ठीक। फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्कुलर रिकॉल करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्कुलर की चीज़ें नहीं याद आ रही तो एक बार सर्कुलर देख लेना, क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे एग्जाम में, बनाने को तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि टफ़ से टफ़ चीज़ें आप लोगों को कराई जाएँ, जिससे एग्ज़ाम में अगर पेपर का लेवल टफ जाता है तो आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को टैकल कर पाओ। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट रिलेटेड टू दी रिसेंट RBI सर्कुलर, जनवरी की ही बात हो रही है, RBI के हालिया परिपत्र में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है। RBI ने भी हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया हुआ था जनवरी में, उनमें से कौन सा बिंदु सही है ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना, ये इसमें पूछा गया है। तो ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे पॉइंट दे दिए गए हैं, उसके बाद में ये ऑप्शन दे दिया है। मैंने आपसे बताया था ना कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर तभी आप दे पाओगे जब आपको सारे के सारे सर्कुलर के पॉइंट्स पता होंगे। फिलहाल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पॉइंट 1, 2 और 4 करेक्ट है, पॉइंट 1, 2 और 4 करेक्ट है, ठीक ना, पॉइंट 1, 2 और 4 करेक्ट है इसका, ठीक है। NBFC अपर लेयर इज गवर्न्ड थ्रू द गाइडलाइंस ऑन लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ 110 ऑफ द मास्टर डायरेक्शन ऑन NBFCs। ये एक मैं तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जिससे दिमाग में आप लोगों को आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिएगा और क्वेश्चन को समझने की सोचने की क्षमता जो है अपनी डेवलप करिएगा, और पढ़ाई के टाइम पर आप लोग एग्जामिनर बन जाया करो, और ये कोशिश किया करो ये कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कैसे फ्रेम कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, उससे आप कितने जितने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम कर पाओगे उतने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम करो और उसके आंसर निकाल लो। इसी तरीके से फिर आपका दिमाग सही डेवलप हो जाएगा और सही तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, और आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ए क्रेडिट स्वैप इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी परचेज प्रोटेक्शन फ्रॉम अनदर पार्टी अगेंस्ट लॉसेस फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ ए बोरोवर्स फॉर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, ये भी सही है। और उसके बाद में चौथा पॉइंट सही है, एक्सपोजर वेयर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फुली गारंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्शन नॉर्म्स, ठीक है। ये तीन पॉइंट सही हैं, और जो तीसरा वाला पॉइंट है ये गलत है, तीसरा वाला पॉइंट ये गलत है, ठीक। तो RBI का ये सर्कुलर है, कौन सा सर्कुलर था, मैं सर्कुलर भी आपको बता दे रहा हूँ, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्म्स क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर, इस नाम से एक सर्कुलर आया था जनवरी में जो आपको पढ़ाया गया है, उसी से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और कई भी तरीके से और दूसरे तरीके से भी सर्कुलर से क्वेश्चन बन सकते थे, तो जाके सर्कुलर एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा जो भी पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक ना। इसमें केवल और केवल थर्ड पॉइंट ही गलत है, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट ही केवल और केवल गलत है, बाकी सारे पॉइंट इसमें सही हैं। तीसरे पॉइंट में भी गलत क्या है, तीसरे पॉइंट में भी क्या चीज़ें गलत हैं, तीसरे पॉइंट में भी क्या चीज़ें गलत है, तो जहाँ पे ये 2% लिखा है वहाँ पे 0% होगा, जहाँ पे ये 2% लिखा है वहाँ पे 0% होगा, ठीक है ना।
जहाँ पे 2% लिखा है वहाँ पे 0% होगा, याद रखना इसे। बाकी 1, 2 और 4 ये सारे के सारे पॉइंट सही हैं। पॉइंट 2 को देखो, इसमें CDS की बात हुई है, ठीक है ना, इसमें CDS की बात हुई, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात हुई है। तो ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये भी पढ़ाया गया था, रिकॉल करो आप लोग इस समय, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पॉइंट 2 भी करेक्ट है। पॉइंट 3 और पॉइंट 4 में एग्जम्पशंस की बात की गई है, पॉइंट 4 में एग्जम्पशंस की बात की गई है, ठीक है ना, किसे किसे इस सर्कुलर में, इस सर्कुलर से एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप लोग मतलब देख लेना, पूरा का पूरा सर्कुलर एक बार आप लोग जाके देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एज पर दी RBI गाइडलाइंस, ऑल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शैल सबमिट दी अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टेटूचरी ऑडिटर्स फॉर प्रायर अप्रूवल टू RBI बिफोर हुच डेट ऑफ रेफरेंस अकाउंटिंग ईयर। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक संदर्भ लेखा वर्ष की किस तारीख से पहले RBI को पूर्व अनुमोदन के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आवेदन प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 31 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर इसका हो जाएगा 31 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्टेट और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित स्टेटूचरी ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट से संबंधित गाइडलाइंस से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, और इसमें ये बताया गया है, इसमें ये पूछा गया है कि सभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सभी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टेटूचरी ऑडिटर्स का जो एप्लीकेशन है उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के 31 जुलाई के पहले तक मतलब सबमिट कर देना है। विच डेट ऑफ रेफरेंस अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, प्रायर अप्रूवल के लिए 31 जुलाई से पहले पहले या 31 जुलाई तक सबमिट कर देना है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, किसके लिए, स्टेटूचरी ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सर्कुलर जाके एक बार आप लोग पढ़ना, और इस सर्कुलर से संबंधित जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं सब कुछ याद करो आप लोग, सारी चीज़ें याद करो कि स्टेटूचरी ऑडिटर्स कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते हैं, उनके बेनिफिट्स क्लैश करेंगे तो कैसे टैकल करेंगे, वो सारी चीज़ें इसी समय रिकॉल करो। फिलहाल ये डेट इंपॉर्टेंट है, 31 जुलाई ऑफ दैट रेफरेंस अकाउंटिंग ईयर। आगे बढ़ते हैं। एज पर RBI गाइडलाइंस टू अपॉइंट एंड री अपॉइंट ऑफ स्टेटूचरी ऑडिटर्स इन ऑल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेटूचरी ऑडिटर्स शैल रिव्यू ऑन व्हिच बेसिस, ठीक है ना। ये भी पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी से रिलेट कर रहा हूँ, उसी सर्कुलर से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। सभी राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों में वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिए RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा किस आधार पर की जाएगी, मतलब उनका जो स्टेटूचरी ऑडिटर्स होंगे उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो मंथली, एनुअल, हाफ ईयरली या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट, किस बेसिस पर उनका परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा एनुअल बेसिस, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर इसका हो जाएगा एनुअल बेसिस, ऑप्शन नंबर बी। एनुअल बेसिस पर स्टेटूचरी ऑडिटर्स का परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, किया जाएगा, और पिछले वाले सर्कुलर से ही मैंने बताया ना ये क्वेश्चन है, तो वो चीज़ सर्कुलर आप लोग जाके फिर से देखिएगा अगर चीज़ें नहीं याद आ रही हैं तो। और उस सर्कुलर में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं मैं बोल रहा हूँ बार बार कि सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, सब कुछ रिकॉल करो इसी टाइम पे। एज पर दी RBI गाइडलाइंस इफ एनी सीरियस लैप्स और नेग्लिजेंस इज फाउंड ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेटूचरी ऑडिटर्स फॉर ऑल दी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स दिस शैल बी रिपोर्टेड विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ACB टू NABARD विद इन हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। ये क्वेश्चन भी उसी पिछले वाले सर्कुलर से संबंधित है, पिछले क्वेश्चन से भी ये भी रिलेट हो रहा है, उसी पर्टिकुलर एक ही सर्कुलर से। देखो मैं एक ही सर्कुलर से कई क्वेश्चन फ्रेम करके भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही सर्कुलर से पॉइंट वाइज कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 वो भी मैं बता रहा हूँ, और कैसे आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी, कैसे आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की चीज़ें याद रहेंगी, कैसे आप पढ़ाई के टाइम पर सोचो, वो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी। और इस वीडियो में, इस क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं इससे काफी चीजें आपको जज करने का मौका मिलेगा कि कितनी सीरियसली आप लोग क्लासेस वगैरह देखते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से इन सब के क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, और चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, नहीं अगर आंसर आपके गलत हो रहा है तो पिछले सर्कुलर को जाके फिर से देखिए, अभी भी टाइम है, चीज़ें अभी भी सही की जा सकती हैं, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 months, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2 months इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 months, ठीक है ना। यानी कि
क्या हो जाएगा, आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई सीरियस लैप्सेस पाया जाता है या फिर नेग्लिजेंस पाया जाता है स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स के पार्ट पर, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा, ठीक है ना, अपने बोर्ड के अप्रूवल के साथ में नाबार्ड को ऑडिट कंप्लीट होने के विद इन 2 मंथ्स के भीतर बताना होगा। अगर स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स के काम काज में कोई नेग्लिजेंस पाया जा रहा है, कोई गलतियां पाई जा रही हैं, कोई इरेगुलरिटीज़ पाई जा रही है, तो ऑडिट कंप्लीट होने के 2 महीने के भीतर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अपने बोर्ड के अप्रूवल के साथ नाबार्ड को रिपोर्ट करना होगा। नाबार्ड को ये चीज़ें बतानी होंगी कि भैया यहाँ पर इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, यहाँ पर इनके काम काज में दिक्कतें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एज पर दी RBI's गाइडलाइंस एंड ऑडिटर ऑडिट फर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट एज ए स्टेटूचरी ऑडिटर इन सेम बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स इमीडिएटली आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ए फुल और पार्ट टेन्योर। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले सर्कुलर से ही रिलेट कर रहा हूँ, एक ही सर्कुलर से कई सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए हैं, ठीक है ना। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार एक ऑडिटर या ऑडिट फर्म को अपना पूर्ण या आंशिक कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद कितने वर्षों तक उसी बैंक, उसी राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंकों में वैधानिक ऑडिटर के रूप में नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब कि अगर कोई ऑडिटर या फिर ऑडिट फर्म किसी एक पर्टिकुलर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अपना एक फुल या पार्ट टेन्योर कंप्लीट कर ले रहा है, तो उसी पर्टिकुलर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में उसके अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के लिए वो कब तक एलिजिबल नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब कितने टाइम के बाद में वो फिर से अपॉइंट किया जा सकता है, कब तक वो अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगी, ये इसमें पूछा गया। पिछले सर्कुलर से ही भी संबंधित है, तो पिछला सर्कुलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत डीप में जाके मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई थी, फिर से आप जाके समझिएगा, पढ़िएगा। अगर नहीं याद आ रही चीज़ें तो 6 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, 6 साल तक वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। 6 साल के लिए इमीडिएटली आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ द फुल एंड पार्ट टेन्योर, यानी कि फुल एंड पार्ट टेन्योर के कम्प्लीट होने के इमीडिएटली, मतलब तुरंत 6 साल के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि अभी कम्प्लीट हुआ तो फिर कल से अगले दिन से उनको फिर से दे दिया जाए, नहीं, 6 साल तक उनको वेट करना होगा, उसके बाद में वो फिर एज एन ऑडिटर या फिर एज एन ऑडिट फॉर उस पर्टिकुलर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में या फिर उस पर्टिकुलर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अपॉइंट या रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज पर दी RBI's गाइडलाइन एन ऑडिट फर्म कैन concurrently take up statutory audit of a maximum of कितने commercial bank, कितनी urban cooperative bank, कितनी NBFCs और कितनी state and central cooperative bank, including not more than one state cooperative bank in a year, ठीक है ना। ये भी पिछले क्वेश्चन, पिछले सर्कुलर से संबंधित है, वहीं से भी मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को पहले समझ लो क्या पूछा गया है, तब इसका आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार एक वर्ष में एक ऑडिट फर्म एक साथ अधिकतम कितने वाणिज्यिक बैंक, कितने शहरी सहकारी बैंक, कितने गैर वित्तीय कंपनी और कितने राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक, इनमें से एक से अधिक राज्य सहकारी बैंक शामिल नहीं है, उसका वैधानिक ऑडिट कर सकता है। इसमें यह पूछा गया है, ठीक है ना, कि कोई भी ऑडिट फर्म, ठीक है ना, कोई भी ऑडिट फर्म मैक्सिमम कितने कॉमर्शियल बैंक, कितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कितने NBFCs और कितने स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट एक साल में कर सकता है, ये इसमें पूछा गया है। पिछले सर्कुलर से रिलेट करना, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4885, यानी कि मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक, 8 नंबर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 8 नंबर ऑफ NBFCs एंड 5 नंबर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें से कि इंक्लूडिंग नॉट मोर देन वन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब कि एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो यहाँ पे ये 5 है ना, यहाँ पे एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होगा और 4 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होंगे, ये कंडीशन भी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है ना। काफ़ी डीप में सर्कुलर में पढ़ा है, देखना आप लोग सारी चीज़ें, और खुद से भी पढ़े हो तो देखो कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो चीज़ों को। अगर आप लोग RBI की वेबसाइट पर जाकर खुद से चीज़ें पढ़ रहे हो तो देखो कि कितना ध्यान से आप चीज़ें पढ़ रहे हो, कहीं और किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हो तो देखो कि कितना डीप में आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप क्या इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी रियलाइज करना जरूरी है, ठीक है ना। सेम उसी RBI सर्कुलर पर बेस्ड है ये, ठीक है ना। और इसमें पूछा गया है कि एक ऑडिट फर्म एक साल के भीतर कितनी और कौन सी बैंकों को ऑडिट कर सकती है, वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एज पर दी RBI's गाइडलाइंस हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ
प्रोफेशनल स्टाफ शुड बी इन एन ऑडिट फर्म विच इज कंडक्टिंग द स्टेटूचरी ऑडिटर और स्टेटूचरी ऑडिट ऑफ ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैविंग एन एसेट साइज ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ रुपीज़। उसी सेम पिछले वाले सर्कुलर पे ही है, ये भी है। RBI के दिशा निर्देश के अनुसार है कि एक ऑडिट फर्म में न्यूनतम कितने पेशेवर कर्मचारी होने चाहिए जो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाले राज्य सहकारी बैंक का वैधानिक ऑडिट कर रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने फ्रेम कर दिया है कि आप लोग ये भी देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर सर्कुलर से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पिछले 4-5 क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने उसी एक सर्कुलर से किया हुआ है, बना दिया, फ्रेम कर दिया, और उस सर्कुलर में सब कुछ पढ़ाया गया है। तो कितनी चीज़ें आपको याद रह रही ये भी देखना, ठीक है ना। ध्यान रखना कि कितनी चीज़ें याद रह रही हैं, और इससे एक आइडिया भी लग रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। सही उत्तर जो इसका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 8, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 8 यानी कि कोई ऑडिट फर्म जो कि किसी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का स्टेटूचरी ऑडिट कंडक्ट कर रही है जिसका एसेट साइज 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उसके पास में कम से कम 8 प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए, कम से कम 8 प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए। हालांकि मैं बहुत डीप में जाके पूछ रहा हूँ, इतना डीप में शायद IBPS ना पूछे, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इतना डीप में IBPS पूछे, लेकिन हमको तैयार रहना होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था, अभी तो देखो मैंने 15,000 करोड़ का बनाया, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर और 15,000 करोड़ रुपये तक के एसेट साइज़ वाले एसेट साइज़ वाले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ऑडिट करने वाली फर्म के पास में मिनिमम कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कितने स्टाफ होने चाहिए, तो उस कंडीशन में इसका आंसर 4 हो जाता, मिनिमम 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा सर्कुलर आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे, तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग कर पा रहे होंगे। एज़ पर दी RBI सर्कुलर इन जनवरी 2024 एलिजिबल UCPs हैव टू मेंटेन CRAR of at least how much percentage more than the minimum CRAR requirement applicable to the UCBs to submit their application for inclusion in second schedule of RBI Act। जनवरी 2024 में RBI परिपत्र के अनुसार पात्र UCBs को RBI अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए अपना आवेदन जमा करने के लिए UCBs पर लागू न्यूनतम CRAR आवश्यकता से कम कितने प्रतिशत अधिक CRAR बनाए रखना होगा। ऑप्शन नंबर C, 3% इज द राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। As per the RBI circular in January 2024, eligible UCBs have to submit their application for inclusion in second schedule of the RBI Act 1934 in the RBI's concerned office having major financial details of bank together with the copies of the published balance sheet for the last how many years, ठीक है ना। जनवरी 2024 में RBI परिपत्र के अनुसार पात्र UCBs को RBI अधिनियम 2034 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के लिए अपना आवेदन RBI के संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा जिसमें पिछले कितने वर्षों के लिए प्रकाशित बैलेंस शीट की प्रतियों के साथ एक के साथ बैंक के प्रमुख वित्तीय विवरण शामिल होंगे, ठीक है ना। पिछले कितने वर्षों का बैलेंस शीट वगैरह इसमें शामिल करना होगा, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3 ईयर्स, ठीक है ना। सब कुछ पढ़ाया गया है, चीज़ें रिकॉल करो, 3 ईयर्स यहाँ पे हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस क्लास का आज के। When was the lead bank scheme introduced in the India? भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू की गई थी, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा December 1969, ऑप्शन नंबर सी December 1969 में लीड बैंक स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी गैडजिल स्टडी ग्रुप और बैंकर्स कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। इन दोनों कमेटी को कौन हेड कर रहा है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे, ये भी आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है ना। तो ये जितने भी MCQs यहाँ पे कराया मैंने जनवरी महीने से संबंधित था ये RBI के सर्कुलर से, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर MCBs की PDF जो है वो फ्री में मैं ऐप पर डाल दूंगा, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करिएगा, और ऐप डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप जब देखेंगे जाके थोड़ा सा ऐप को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे इन सारे सर्कुलर के से रिलेटेड जो MCQs हैं इसकी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ऐप में आपको इसकी PDF मिलेगी, वहाँ पे जाके आप इसको PDF वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर बताओ और देखो कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही रहे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं एक ही सर्कुलर से 8-10 क्वेश्चन फ्रेम करके भी बता दिया, एक ही सर्कुलर में 8-10 पॉइंट बना के बता दिया, ठीक है ना। अभी कुछ मैं और प्लानिंग कर रहा हूँ आने वाली क्लासेस में, कुछ और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो RBI के सर्कुलर को ध्यान से पढ़ना होगा, एक ही महीने में कई बार RBI के 30-40 सर्कुलर आ जाते हैं या 15-20-25 सर्कुलर आ जाते हैं, RBI की वेबसाइट पर जाके देखेंगे
सारे सर्कुलर करने नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर होते हैं उसको मैं बैंकिंग मास्टर 3 में ऑलरेडी करा रहा हूँ, जो जरूरी चीज़ें हैं, तो वो आप लोग जाकर देखिए और चीज़ें वहाँ से आपको समझ में आएंगी। टफ से टफ क्वेश्चन की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि IBPS अगर थोड़ा सा भी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करे तो हमारे लिए ईजी रहे। हालांकि जितना डीप में जाके मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि IBPS जाके इतना डीप में क्वेश्चन फ्रेम करे, लेकिन फिर भी अगर फ्रेम करती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ। ठीक, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी।